बात करने जा रही हूँ महामना मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। 1857 की क्रांति की सफलता के बाद भारतीय जनमानस निराश सा हो गया था। ऐसे में 25 दिसंबर 1861 को तीर्थराज प्रयाग में बालक मदन मोहन का जन्म हुआ, जिन्होंने आगे चलकर ना केवल भारतीय संस्कृति का संरक्षण किया वरन शिक्षा के द्वारा परंपरागत और आधुनिक ज्ञान विज्ञान से समन्वित विकास एवं प्रसार से पराधीन राष्ट्र के आत्मविश्वास और स्वाभिमान को बढ़ाया। महामना की जीवन दृष्टि के दो ही आधार थे, ईश्वर भक्ति और देशभक्ति। इन दोनों के उत्कृष्ट संश्लेषण ईश्वर भक्ति का देशभक्ति में अवतरण और देशभक्ति की ईश्वर भक्ति में परिपक्वता महामना जी की जीवन दृष्टि का विशेष पक्ष था। महामना सच्चे अर्थों के तपस्वी थे, सात्विक तप के सारे पक्ष उनमें विद्यमान थे। श्रीमद् भगवद गीता में वर्णित वाचिक कायिक और मानसिक तप के वे साधक थे। सदा शुद्ध संकल्प युक्त रहना उनका मानसिक तप था। असत्य अप्रिय और खोटे शब्दों का त्याग तथा सदा शुद्ध प्रिय और मधुर वाणी का प्रयोग उनका वाचिक तप था। दूसरों की सहायता करना, समाज की सेवा करना और देश और जाति के लिए अपने शरीर पर होने वाले कष्टों की परवाह ना करना उनका शारीरिक तप था। महामना प्रखर राष्ट्रवादी और उच्च कोटि के देशभक्त थे। वे जाति भाषा संप्रदाय और क्षेत्र के आधार पर भारतीयों के मध्य बढ़ते दुराव को समाप्त कर देश को एक शक्तिशाली राष्ट्र और संप्रभु देश के रूप में देखना चाहते थे। अपने इन्हीं सपनों को साकार रूप देने के लिए और शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए महामना ने काशी में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय की स्थापना से महामना की परिकल्पना ऐसे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर देश की सेवा के लिए तैयार करने की थी जो आगे चलकर देश के मस्तक को गौरव से ऊंचा उठा सके। तो